क्या मजाक है, बच्चों के लिए दी कटी की एक बच्ची फिर आ गई। नहीं जी, बीवी को देते ही। और मियाँ को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता जिंदगी में? तेन मत देना ही, सारे ही पकड़ा दो है? सारे ही पकड़ा दो जितने रोके, सारे पकड़ा दो जितने 20, 20, 60, 80। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। अब रमजान फाइनली इज ओवर बॉयज एंड गर्ल्स, एंड हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल फ्रॉम मी एंड माय वाइफ फिजा। और आज का प्लान बॉयज एंड गर्ल्स ये है कि अभी तो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इस वक्त सुबह का टाइम 10 बज रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हो 10 बजे कौन सी होती है, यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे होती है। मुझे यार होता है कि जितना लेट हो ना बंदा उतना जाके पढ़े, आराम से उठे उठे ना जल्दी उठना चाहिए। नहीं तो मैं उठे हुए तो हम सुबह के हैं, मसला है तो हम लेट इसलिए जा रहे हैं। मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपनी ना, जो भी आपने चांद रात वाली देखी होगी वो मैं सुबह उठ के एडिट की है, लगाई है, उसके बाद फिर हम नमाज के लिए जा रहे हैं। तो वहां से नमाज अभी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने जाना है मामू की तरफ। मामू ने अपने घर यू नो ईद की पार्टी मतलब ब्रंच वगैरह स्थान रखा हुआ था। आपको इस दिन के इस खूबसूरत दिन के साथ साथ लेके चलते हैं। खैर मुझे तो समझ नहीं आती ईद की पिक्चरें लोग इतने क्यों होते हैं, ये फिर कैसे देखेंगे। फिजा को बहुत शौक है ईद की पिक्चरों का, कोई भी केयर नहीं करता आपकी ईद की पिक्चर के लिए। मैंने देखा ये करते हैं लोग, करते हैं आजकल सारे सबने आजकल के, मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ okay, सारे ईद के पहले दिन ही तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट हु केयर्स, नोबडी केयर्स, लाइक सबकी ईद की पिक्चर एक जैसी होती है। या तो अकेले खड़े होंगे यूं अपनी यूं ना वो यूं करके यूं खिंचवा रहे होंगे, या फिर इधर देख के, या तो फिर अपनी वाइफ के साथ यूं खड़े हो गए। नोबडी केयर्स राइट। अब मैं आपके साथ तस्वीर और किसके साथ डाल लिया? एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम जरा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सो वी विल सी यू देयर। बट बिफोर वी गो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज आई विल सी यू गाइस देयर। गर्ल्स रश देखो जरा, हम इतनी मुश्किलों से पार्किंग मिलती है, वो देखो ना कितने लोग जमा हुए हैं यहाँ पे। ओ अच्छा, वो बच्चों का उन्होंने वो सारा लगाया हुआ है, जंपिंग कैसल और वो सारा ना, तो वो देखो जरा जंपिंग कैसल बच्चों का लगाया हुआ है और सारी एक्टिविटीज ना ईद वाली। अब तो मैं और फिजा अलग हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन बस हमने तो नमाज पढ़ के आगे निकलना है। थोड़ा आपको दिखाते भी आगे क्या चल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे लोग इतना अच्छा अच्छा तैयार होके आए हुए हैं, और सिस्टर्स भी जो हैं वो अफगान पूरी वो बन के आई हुई हैं। आई थिंक मे बी नमाज हो गई है, होपफुली नॉट। गर्ल्स फाइनली नमाज हो गई हमारी, उन्होंने चौथी नमाज खड़ी कराई है मुझे देख के। इमाम ने कहा दूर फिटे हूँ तेरे, तीन तीन हमने नमाजें कराई, तीनों में नहीं आ पाया। काफी लोग थे ना? बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे यार। असल में ट्रैफिक बहुत ही लेट हो गए थे लोग। चेक करो जरा कितने ज्यादा लोग आए हुए यहाँ पे इस वक्त, और फुल रौनक लगी हुई ईद की यहाँ पे। लोग मतलब यहाँ पे बाहर चिल कर रहे हैं, बाहर ये स्टैंड्स लगे हैं फूड के। अच्छा ये काफी लाइवली मस्जिद है वैसे, मैंने देखा अर्विंग वाली ना, तो मैं इस तरह हाथ डाल के फिर रहा हूँ यहाँ पे सारे। हाँ से भी है, लेकिन यहाँ पे सारे वो माइंड ना करे ना मुल्ला बुल्ला के, अब रमजान खत्म हो गया तो शुरू हो गया। कितना अच्छा अच्छा तैयार हुए हैं लोग, आज देख पता चला कितने मुसलमान है डैलस एरिया में। अभी ह्यूस्टन में सोचो कितने हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है इतने मुसलमानों को देख के ना। अफगानियों का सर ड्रेस अच्छा होता है, तो मैं भी पहनना चाहिए। अफगानी होती है, क्या होती हैं ये, वो जो इस तरह की कश्मीर वाले उन्होंने पहने होते हैं, वो वाला क्राउन पहना होता है सर पे, और वो तिल लगाया होता है पठानी वाला। तो तुम भी पठानी हो ना, तुम्हें पहनना चाहिए, वो इतनी अच्छी लगोगी। अच्छा पहनना चाहिए। एनी वेज बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अब हम यहाँ से तो फारिग हो गए हैं, अब अपनी गाड़ी ढूंढ के ना अब हम मामू की तरफ रवाना होते हैं। अच्छा है लेट शुरू करनी चाहिए ईद को, बचपन में ना जब ये होता था हमारे ना बूढ़ते ही नहीं थे, हमारे बूढ़ते ही नहीं थे, हम ना तंग आ जाते थे यार उठ जाओ पापा उठ जाओ ईद शुरू हो गई है। फिर हम तो बच्चे होते थे एक्साइटेड, तो तैयार होके सारे निकल गए बाहर सड़क पे, मतलब वो मतलब स्टॉल्स लगे हुए, रेडियां लगी हुई हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स क्या मजाक है, बच्चों के लिए ईदी कटी की एक बच्ची फिर आ गई। नहीं जी बीवी को देते ही। और मियां को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता जिंदगी में धक्के और धोखों के अलावा? अच्छा अभी ये $2 पकड़ो जरा, थोड़ा पकड़ो तो सही ना, वजन बहुत भारी। $2 तो मैं पता ही बड़ा महंगा नोट बिक रहा है। नहीं, I don't want it. तेन मत देना ही, सारे ही पकड़ा दो है? सारे ही पकड़ा दो जितने रोके, सारे पकड़ा दो जितने मामा लोटो मची। अभी मेरे पास जितने हैं ना ये देखो 20, 20, 60, 80, 100 और क्या वो दे दो है?
उसके भी करना है, वो भी होंगे, वो भी दे दो। कौन से होंगे? कौन दे? एक और बीस है। तुम्हें कैसे पता? देख नहीं अपना, कुछ और भी नजर आ रहा है। 140 कुछ भी नहीं, और एक और नजर आ रहा है, वो देखो। ओए वो 20 नहीं है, वो $2 का नोट देखो। है बेवकूफ लड़की, ये ले $1 का ले लो। $140 की ईदी लगा लो, ये भी स्टोरी। खाली हो गया वो, देखो चुई हो गया मेरी तरह वॉलेट। कोई नहीं, आज की वैसी काट के सामान ये क्या बन गए? मैं भी यहाँ पे ना एक वो चादर पे छा लेता हूँ अल्लाह के नाम पे। वैसी मांग रहे थे। Anyways, boys and girls, we'll see you at Mamu's house. Later. तुम क्या वो बने हुए हो? वो नहीं है Bernie and the dinosaur, दोनों। We're gonna wear the Sherlock Holmes thingy. Yeah, you guys should have. Yeah, we have it upstairs. We haven't worn yet. तो पहन लो और क्या? ईद है। हाँ, पहन के आओ। ईद है और कब फिर कब पहनेगा? क्रिसमस पे। ठंड हो रही है आज यार, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। कितनी ईदी इकट्ठी हुई है दिखा जरा, गिनवा मुझे, गिनवाओ जरा मुझे ईदी कितनी हो गई इकट्ठी, दिखा दो सही। ला मैं सबने पास संभाल के रखूंगा। ये लो उस पे जीजे की ईदी। सूफी तुम्हारी ईदी नहीं चाहिए तुम्हें, मैं रख लूं। 2 seconds later. चलो जी हो गया। एक सेकंड थोड़ी सलवार कमीज कितने हैगी? कितने हैगी? भाई इस यूएसए है, इस यूएसए। ओके ओके, इसको अंदर कर लेते हैं। हाँ ओए पाइन, सर्दी हुई है यार, जैकेट है कोई? आ जाओ। शुक्र है गजीबो बनवा लिया आपने। अब तो सारी डाइनिंग टेबल वगैरह भी आ गई हैं, सारी प्रेपरेशन अच्छा करना है। काउचेस भी सारे आ रहे हैं, सारा कुछ रेडी हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या ही हमारी ग्रिल चलेगी बेचारी। चल तो जाएगी। ओए होए होए होए, ये देखो जरा रमजान के बाद शैतान का फोटो शूट हो रहा है। ये मामू का उधर लाइव चल रहा है, इधर यहाँ पे रान भाई शेफ बुलाया हुआ, इतना बड़ा हैवी किस्म का, ठीक है। और खोते की रान टेस्ट टेस्ट कर भी कौन सकता है। ये देखो क्या मुंह से पानी नहीं आ रहा आप लोग, ये चेक करो कैसे मजे से कट रही है, ये देखो जरा। ओए हो भाई मेरी नाक में कुछ आ रहे हो। गरम गरम। ओए होए 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 10 times ओए होए, बहुत टेस्टी यार, बहुत अच्छे मसाले डाले। चापे भी अच्छा, चिकन भी मैं चेक करूँ, निकालना एक जरा। बॉयज एंड गर्ल्स, हम चिकन भी टेस्ट कर रहे हैं जरा। वो देखो मामू ने अपना दंदा, लाइव है वो। और ये फ्रूट है और वहाँ पे मुझे आवाज आई है, और भी है। बहुत गर्म है हाँ। ये मजे का सही पका चिकन, और ये मूसा भी है। और सीन ये है कि अभी हमारे पास है यहाँ पे मजे की शीर, ये चेक करो जरा। ओह सॉरी, सेवियां। ओए होए होए, ये हमारे पास यहाँ पे दही बल्ले। ओए होए होए, गाढ़े तरीन दही बल्ले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है चना चाट, इसके बाद हमारे यहाँ पे खीर है, इसको मैं खराब करना चाह रहा। ये हमारे पास कुछ मीठे मीठे हैं, कोकोनट केक। ओके, यहाँ पे हमारे पास है ये हलवा मजे का। मौलवी हजरात जितने भी देख रहे हैं, मुझे पता है यू ड्रूलिंग राइट नाउ। गोलगप्पे भी हैं हमारे पास विद द चटनी, ठीक है, और चना उसमें डाल के। उसके बाद फ्रूट है हमारे पास, हमारे पास ये बंस हैं फ्रॉम एशियन बेकरी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे मज़े का पाया। ओए होए होए, पाए की बोटी तो चेक करो ज़रा। ओ फल्ला, ये चेक करो ज़रा, भूख लग रही है कि नहीं लग रही इस वक्त हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मज़े मज़े के चने। उसके बाद नीचे है हमारे पास क्या, हाँ नीचे हमारे पास है चांपे है, ठीक है, और बड़ी वो जो अभी मैंने आपको चेक कराई थी, ठीक है। मतलब के पूरा बुफेट लगा हुआ है यहाँ पे भाई। बाहर का तो सीन ही ऑफ हो गया, बारिश हो रही है फुल टाइम और तेज हवाएं चल रही हैं, तो बाहर का तो सीन ऑफ है भाई, बहुत ठंड हो रही है। इसलिए तो मैं ये वो सिट्टे लगाने वाला वो लग रहा हूँ बच्चा, वो नहीं जैकेट पहनी होती ना ओवर साइज सलवार कमीज के ऊपर, अमेजोन की लिस्टिंग घूम रही होती। क्या कर रही हो? तो ब्लॉग भी बना रही है। ये मैं लाइव वालों को दिखा रहा था ना, वो चेक करना चाह रहे थे। आप ये ना समझे ना कि मैं थोड़ा सा हल्का चल रहा हूँ। अब मैं वापस अपनी जैकेट पहन लूंगा, ठंड लग रही थी मुझे। मामू आज सेंटिमेंटल हो गए अभी इस मौके पे, कह रहे हैं इससे मुझे जिंदगी में खूबसूरत गिफ्ट नहीं मिला, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग। मामू को आज ईद के पहले दिन के मौके पे आया है खिलाफे काबा। मैं रियली अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा सेंटी भी हूँ, बहुत खूबसूरत जो सा है खिलाफे काबा, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी यार, खुशबू क्या है इसकी, ये देखो अगर आप। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे जब मैं उमरा करने गया था। अच्छा, वो जस्ट स्टैंडिंग यू नो, फिर बकायदा उसके साथ ये सर्टिफिकेट भी, अथेंटिसिटी का भी, इसकी स्टैंप भी है, स्टैंप भी लगी हुई है, और वो भी ये जो, और फिर प्लस जोन सा है रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जोन सा वो है, तो वी विल बी डूइंग अ
nicely frame it and we're gonna put it our home. बहुत खुश नसीबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. ईद के दिन. ईद के दिन. क्या बात है. लेट है. वो तो टाइट लेते हैं. आंटी नहीं मैं अंदर से काफी जरा टाइट हूँ ना. वो कहते हैं मैं टाइट टाइट पहनता हूँ. मुझे अच्छा लगता है टाइट टाइट. ये देखिए सब कुछ टाइट टाइट. मैं भी टाइट. आप कौन सा कोई इतने मोटे हो. है? नहीं फिर भी है ना. ये देखिए बॉयज एंड गर्ल्स ये मेरे ना ऊपर ही छींटे गिरे थे तो ने एप्रन भी पर्पल वाला लगा के दिया मुझे. पूरा ऊपर से नीचे तितली बना दी मुझे. तितली गोश्त काटते हुए. ये ना ये गोश्त के हम टुकड़े करे ना वरना आप सारे थोड़ी इस पे चक्कियां मारेंगे. तो ये चेक करो जरा. ये चेक करो कितना प्यारा पका है. उफ एक आपको कच्चा पन्नी नजर आ रहा है इसमें. बचपन में मैं कसाई के साथ गोश्त कटवाता था सारा. भाई देख लें मैंने अपने बेटे को सही मायनों में ट्रेनिंग दे दी. प्रोफेशनल बंदा है. नहीं मैं तो कसाई के साथ हेल्प कराता था पूरी बचपन में. हाँ हमें बड़ा शौक था. हम ना बैठ के वो उसको गोश्त काटते हुए देखते रहते थे. आजकल के ये बर्गर बच्चों को क्या पता भाई. अम्मी मम्मी हमने तो नहीं देखनी कुर्बानी. हम तो भाई वो कोई शोर मचाता था वेड़ा कटर हम तो भागते थे सारे देखने के लिए. बल्कि खुद हेल्प ही कराते थे वेड़ा गिराने में. जो पकड़ पकड़ के गोश्त कटवाते थे. मजा आता था. आई डोंट नो वो ये होता था मेरे पूरी का एक ये दिखाना था मामी ने अपना चश्का. यार मुझे तो लगा आप यूं फ्रिस्पी की तरह फेंकेंगे तो. वो घुमा के मैं फेंकता था अंदर. ओए होए सैड सैड. कह रहे सलाद खा लो. जब ये ऑप्शन है आपके पास. के पास चांपे हैं आपके पास चिकन है आपके पास पाया है और आपके पास पूरी है. उसमें सलाद की स्पेस नजर आ रही है आपको वहीं पे. सबसे पहले ना पाया टेस्ट टेस्ट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स. मैं पाया इतना खाता नहीं हूँ. हैं कोई मसला नहीं वो गिर जाएगा ना ऊपर. वो क्या पाए यार. हालांकि ना मैं थोड़ा सा डाइटिंग वाइटिंग और उस सूरत में ना पाए बड़े से सिखाई नहीं. लेकिन ये लिटरली हाँ मामू की टांगे तो नजर नहीं आई ना आज आपको व्लॉग में. वो उसी में पक गई है. नजर आया बड़ी जूसी है. बहुत मजे के पाए. ओए होए होए ये देखो सुभान अल्लाह. ओए होए 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 परफेक्ट सॉल्ट प्रोफाइल नहीं होती. कोई टेस्ट ओवर पावरिंग नहीं. मेरे अंदर वाला पहाड़ वाला पठान जा पाए के सालन के साथ लगा के मत जाएं लाइफ. बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं. और आप लोग साद अशमानी पॉडकास्ट 2 का पार्ट 2 का बहुत वेट कर रहे थे. वो कल का व्लॉग जो होगा वो लगेगा. तो आज अभी ये लग रहा है. कल जो अगले रात को मैं लगाऊंगा वो ये वाला लगेगा. सो सॉरी थोड़ा देर हो गया. आई नो बट इट्स वर्थ द एंटिसिपेशन. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर दैट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी. आई विल सी यू गाइस.